myself Arshama. My school name is DAV Central Public School, Unna. I read in class 8C. मैंने KKHG TVLT शो में ड्राइंग में पार्ट लिया था, जिसमें मैं अभी फाइनल में पहुंच चुका हूँ। मुझे ड्राइंग का बचपन से शौक नहीं था, लेकिन ये शौक मुझे सिक्स से हुआ। तो जब से मुझे शौक हुआ तो तब से मैंने ड्राइंग करना शुरू कर दिया। और जो मेरे सर थे वो भी मुझे गाइड करते थे, सामान के बारे में कहते थे, सब कुछ बताते थे, गाइड करते थे और मोटिवेट करते थे। तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया, उनको मेरा थैंक यू। Myself, R.L. Pathak, Principal, DV Centering Public School, Una.
It's a matter of great pride for all of us here that our student of class 8th, Mr. R. Sharma, he has qualified 4 rounds and selected for the 5th rounds here. It's an honor to the vicinities of Una and great honor to DAV Una also. He is a student, he believes in this theory, simple even high thinking. He is a person of different thought process here. His thought process is totally different here. He is passionate about the paintings, drawings, and he participates in various events at school levels. And we are proud teachers, I am proud principals that he is giving his best in this Kism Hai Kitna Dam in this competition this year. I hope that he will brought the laurel to the institutions and he will qualify the finals and my best wishes are there for him. और मैं DAV स्कूल उन्ना में टीच करवाती हूँ. अर्श एक बहुत ही हेल्पिंग नेचर का और बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चा है और ये ड्राइंग में हमेशा से पार्टिसिपेट करता आया हुआ है. इवन कि जो क्लास के डेकोरेशंस हैं उसमें भी इसने हमेशा पार्टिसिपेशन किया है और हमारी क्लास ने उसमें फर्स्ट पोजीशन मिली थी. तो मैं इस हमारी बेस्ट विशेज हमेशा इसके साथ रहेंगी कि आगे ये जो कॉम्पिटिशन है ये उसमें भी अपना कोई ना कोई प्राइज लेके आए. Myself, Devinder Singh from DAV School, Unna. I'm working as an art teacher. और मैं अर्श का आर्ट टीचर हूँ और मैंने उसको हमेशा हमेशा कुछ सीखने के लिए इच्छुक रहते हुए देखा है और वो बहुत सारा काम करना चाहता है और ड्राइंग में तो स्पेशली उसने बहुत सारी अपनी स्केच बुक्स लगा रखी हैं. और जब मुझे पता चला कि वो किस में कितना है दम, उसके 4 राउंड उसने पार कर लिए और अब फाइनल राउंड के लिए जा रहा है, तो मेरी खुशी का कोई स्पेशली कोई ठिकाना नहीं है और मैं उसके लिए बहुत बेस्ट विशेस देता हूँ. मैं अपने माता पिता, अपने स्कूल का और अपने शहर का नाम रोशन करूँ. मेरे मम्मी पापा को बहुत बहुत थैंक यू है जो कि मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मुझे किसी भी चीज में पार्ट लेने के लिए मना नहीं करते हैं. वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मुझे सारा सामान लेकर देते हैं, मैं जो कहूँ वो लेकर देते हैं, वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू उनका. नमस्कार जी, मेरा नाम मुनीश शर्मा है. मैं जिला कांगड़ा के छोटे से गांव, उसका नाम मंदलियां है, वहां का रहने वाला और ऊना में मैं जॉब करता हूं और इसलिए ये इवेंट जो है जहां ऊना स्कूल से मेरे बच्चे को मौका मिला है इसमें पार्टिसिपेट करने का. अर्श मेरा बेटा है और उसको ड्राइंग करने का बहुत शौक है, वो घर में ड्राइंग्स करता रहता था और उसके लिए एक दिन स्कूल में KKHT का स्टाफ वहाँ उन्होंने अप्रोच किया और अपने इस जो भी हर सीजन वो चलाते हैं उसके बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया. तो बच्चे जैसे हमें घर आके बताया तो हमने उसको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया और बच्चे ने पार्टिसिपेट किया. इसके स्टेप बाय स्टेप राउंड्स हुए, फर्स्ट 2 राउंड्स यहाँ ऊना में ही हुए और ये जैसे जैसे राउंड्स में पास होता गया तो क्वार्टर फाइनल का राउंड जो हुआ वो पंडोका में हुआ और सेमीफाइनल का बाथरूम में अभी फाइनल में पहुंच गया है. तो हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि ये बच्चा इस फाइनल को जीते और अपने गांव और जहां शहर में रहता है स्कूल का, घर का, माता पिता सबका नाम जो है रोशन करे. बाकी इसके अलावा इसका पढ़ने में भी ठीक इंटरेस्ट है, गेम्स में भी एक्टिव रहता है, कोई भी करिकुलम एक्टिविटी हो स्कूल में हर में पार्टिसिपेट करता है और कहीं में ये जीत के सर्टिफिकेट्स लाया है और कहीं भी कोई भी इवेंट हो इसमें चाहे गाँव में जब हम घर जाते हैं अपने तो गाँव में भी बच्चों के साथ पूरा रहता है, गांव में भी जो कल्चरल फंक्शन गांव के होते हैं उन रिचुअल्स को भी अडॉप्ट करता है, उनमें भी फुल पार्टिसिपेट करता है और इसकी नेचर कोऑपरेटिव एंड ऑलराउंडर, मतलब हर किसी के साथ कोऑपरेटिवली रहता है और एडजस्टेबल है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा कोई इशू नहीं, ये हर जगह एडजस्टेबल, हर किसी के साथ हर माहौल में एडजस्ट हो जाता है और अपनी तरफ से हर चीज़ में बेस्ट देने की कोशिश करता है. इसकी इस कामयाबी के लिए इसको बहुत दोबारा से मतलब बेस्ट विशेज देता हूँ और भगवान से फिर यही दुआ करता हूँ कि फाइनल भी जीते और इसी तरह ज़िंदगी में अपना आगे बढ़ता रहे और अपना जो अच्छा कैरियर बनाए और सबका नाम ऊँचा.
मेरा नाम सविता शर्मा है और मैं अर्श की मम्मा हूँ। अर्श मेरा शुरू से ही बहुत समझदार, चंचल और बहुत केयरिंग है। वो सभी की केयर करता है और मेरी दोनों फैमिलीज में सभी का लाडला है वो। और इसको शुरू से ही पेंटिंग का बहुत शौक था, पर हमने मतलब जब भी कभी इसको फ्री टाइम मिलता तो इसने पेंटिंग करनी। और और भी मतलब हर एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करता है। पेंटिंग का इसको शुरू से ही शौक था और ये मतलब स्टडी के साथ अपना फ्री टाइम जो है इसने पेंटिंग करनी, तरह तरह की ड्राइंग बनानी। और फिर इसके सर ने इसकी पेंटिंग वगैरह को थोड़ा नोटिस किया और देखा कि कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो उन्होंने और मोटिवेट किया इसको इसके लिए। और उनके एफर्ट से आज ये यहाँ तक पहुँचा है, नल तक, जो रियलिटी शो KKHD है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल भी जीत के आए। स्टडी में भी अच्छा है, मतलब कर लेता है ये। अन्याय के खिलाफ लड़ाई। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी और उनके नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों की को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहां से आएंगे? ये सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। ये शुरू से ही बहुत क्रिएटिव है और हर मतलब इसको हर चीज में ये कोई भी काम करेगा इंटरेस्ट से करेगा, फुल डिटर्मिनेशन से। और ऐसे थोड़ा शरारती भी है पर केयरिंग भी है, सभी का ध्यान रखता है, अपने जो मतलब ब्रदर सिस्टर उन सभी की बहुत, जैसे इसके पास कोई भी आता है तो उनके साथ खेलता है, उनको कोई चीज को आती है तो उनको सिखाने की कोशिश करता है ये। और सभी के साथ एडजस्ट हो जाता है, इसको किसी भी माहौल में रखेंगे तो ये एडजस्ट कर लेता है, इसके साथ कभी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है हमें, जैसे मर्जी इसको रखें। और स्कूल में भी जैसे इसको कोई भी मतलब बात करेगा किसी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है ये। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा फाइनल में जीत के अपने शहर का, अपने माता पिता का और अपने स्कूल का नाम रोशन करे।
Hi everyone, I am Arsh Tutor. So Arsh is a brilliant student. He has a lot in him to admire. His way of walking and talking shows confidence. He loves to learn new different things. And the best part in him is that he's not afraid of making mistakes. Like it's human tendency to get discouraged from mistakes. But this child likes to improve and learn from his mistakes. The confidence in him is unbreakable. It's difficult to break his confidence and make him doubt himself. I hope you win this competition and make our city and us proud. नमस्कार, मेरा नाम जो है नमिता है। हर्ष शर्मा जो है मेरा पड़ोसी है। पढ़ने में बहुत ही होशियार है और खेलने में भी बहुत होशियार है। ये ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, इसको कुछ भी बोले तो कर लेता वो। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हर्ष जो है फाइनल जो जीत के आए और हमारी कॉलोनी का भी और शहर का भी और स्कूल का भी और पेरेंट्स का भी नाम जो रोशन करे। मेरी हॉबीज है कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। चेस खेलता हूँ, ऊनो कार्ड्स खेलता हूँ और मैं बड़ा हो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ये मेरा एम है। स्कूल में जब कोई भी कंपटीशन होता है तो मैं हर कंपटीशन में पार्ट लेता हूँ और पोस्ट ऑफिस में भी, मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते हैं तो उधर भी कोई इवेंट है जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे वगैरह और समथिंग लाइक कुछ भी हो सकते हैं तो उसमें भी मैं पार्ट लेता हूँ तो उसमें भी मुझे प्राइजेस मिलते हैं। मैं उसमें गाना गाता हूँ या फिर शायरी कुछ भी जो मुझे आता हो मैं सुना देता हूँ। और मुझे, मैं पहले फुटबॉल खेलता था एक साल, वहाँ पर भी मुझे एक मोमेंटम मिली है। मैंने स्कूल में ओरिगेमी कंपटीशन और दिया मेकिंग कंपटीशन, सोलो डांस कंपटीशन, कल्चरल फेस्ट और भी कई सारे कंपटीशन में भाग। अगर मैं घर पे फ्री होता हूँ तो मैं या तो टीवी देख लेता हूँ या मोबाइल देख लेता हूँ। नमस्कार जी,
मेरा नाम चंद्रशेखर राणा है और मैं यहाँ पे पोस्टल एम्प्लॉय हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री हर्ष शर्मा यहाँ पे 8th क्लास का स्टूडेंट है। मैं यहाँ पे पिछले एक साल से इस पोस्टल कॉलोनी में रह रहा हूँ। मैं इसके सुबह से शाम की एक्टिविटी जैसे कि खेलकूद और आर्ट के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से अवगत हूँ। मैं तो एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे इन्हें अच्छे से जानता हूँ, लेकिन कुछ समय बीच बीच में जैसे मेरी दो बेटियाँ हैं, कभी भी स्कूल से कोई भी इनके ड्राइंग के बारे में जैसे स्कूल से कोई कार्य दिया जाता है तो उनको बेटियों को छोटी बेटियाँ हैं उनको मुश्किल होता है, लेकिन इसके पास जाते इन्हें पता है कि भाई एग्जैक्ट कैसे बनाना है क्या है, तो इनका जो बेसिक है वो काफ़ी अच्छा है। और कोई भी इनको चित्र या कोई भी ऐसा किसी का नया नक्श बनाने को दिया जाए तो ये काफ़ी उसमें होनार है लगता। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स से लेकर स्पोर्ट्स में भी इसका काफ़ी अच्छा रेस से लेकर बेसिक हर चीज़ में होनार लड़का है। अवश्य ये तो हमारी मनोकामना है कि भाई ये लड़का जिस तरह से इसका टैलेंट है तो प्रथम स्थान अवश्य प्राप्त करे। मैं भूपेंद्र सिंह दीक्षित डाकघर उन्ना मंडल उन्ना। तो ये जो अर्श है ये हमारे पोस्टल फैमिली का के परिवार से बिलोंग करता है और हर जो भी कोई भी गतिविधि होती है जैसे बाल दिवस हो गया, पौधारोपण का हम कार्यक्रम करते हैं विभागीय तौर पर और योगा दिवस का कार्यक्रम करते हैं, तो ये बहुत ही मेहनत से और लगन से उन गतिविधियों में शामिल होता है और हमेशा कोई भी हम कंपटीशन करवाएं तो उसमें ये प्रथम स्थान पर रहता है। इसके अलावा इसकी प्रगति में इनके माता पिता का बहुत योगदान है, वो लगातार मार्गदर्शन करते रहते हैं और पढ़ाई से हटकर जो भी गतिविधियां उनमें इसको शामिल करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे ये बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली है और बहुत मेहनती है और मैं सफल भविष्य की कामना करता हूँ। तो या फिर कोई बुक रीडिंग कर लेता हूँ या फिर ड्राइंग बनाता हूँ। अगर कोई मेरे साथ खेलने वाला हो तो मैं उसके साथ चेस खेल लेता हूँ। भी कार्ड्स खेल लेता हूँ जो हो KKHD शो का मुझे स्कूल से पता लगा। वहाँ पर कुछ KKHD के स्टाफ आए थे जो कि हमें एक वो बांट रहे थे कि आपको इसमें सारे टैलेंट्स है, आपको जिसमें पार्ट लेना हो आप ले सकते हैं। तो वहाँ से मुझे KKHD का पता लगा और मैंने ड्राइंग में पार्ट लिया और फिर मैं अभी यहाँ तो पहले दो राउंड मेरे ऊना में हुए, फिर तीसरा राउंड मेरा पंडोगा में हुआ और फिर चौथा राउंड मेरा बाथू में हुआ था। इस तरह मैंने चारों राउंड क्लियर किए, अब मैं फाइनल में पहुंच गया हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं फाइनल भी जीत के आऊं। मैं थैंक यू करता हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए मौका दिया। थैंक यू KKHD।